कोरोना से दुनिया में अब तक 55,02,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। करीब 23,02,000 लोग ठीक भी हुए हैं। मौत का आंकड़ा अगर बात करें तो 3,46,000 के पार हो गया है। WHO के अनुसार 24 घंटों में करीब 1,10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5,600 लोगों की मौत हुई है। उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस मिले। वहीं यूरोप में मरने वालों की संख्या 1,73,000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा 99,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 3,71,000 हो गया है। खैर, अब न्यूयॉर्क में संक्रमण और मौत की संख्या में कमी आने लगी है, जबकि 29,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज द्वारा प्रायोजित लंबे समय से प्रशिक्षित अध्ययन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर दिखा। ये सरकार के इस कथन की पुष्टि करता है कि रेमडेसिविर से अस्पताल में भर्ती मरीज 15 दिनों की तुलना में 11 दिनों में ठीक होने लगे हैं। Very clear difference. So the animals that were treated with remdesivir, they don't really show the breathing difficulties that we start to see in control animals. We don't really see much damage to their lungs. So the drug clearly had a very positive effect. परीक्षण के दौरान 1,000 से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को या तो रेमडेसिविर या प्लेसबो दी गई। जिन लोगों को रेमडेसिविर दी गई थी, वो प्लेसबो दिए जा रहे मरीजों की तुलना में न केवल तेजी से ठीक हुए, बल्कि उनमें गंभीर प्रतिकूल असर भी दिखा गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण था, जिनमें अधिकतर ठिकाने संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। हालांकि रेमडेसिविर दवा की पुष्टि कोरोना वायरस में पूरी तरीके से नहीं देखी गई है। कुछ मरीजों में ये कारगर जरूर है, लेकिन अभी भी इस पर शोध जारी है।